नहीं ठीक है, अगर बनने वाले हमारे चीफ मिनिस्टर साहब अगर कोई कोई अच्छी चीज़ लेके आते हैं तो मैं तो वेलकम करूँगा हमेशा। जो पब्लिक में चीज़ जानी चाहिए वो जो आखिरी इंसान है वहाँ तक डिलीवर होनी चाहिए, उनका कोई ऐसा प्लान है तो अच्छी बात है। तो मतलब कि विधानसभा जो बनी हुई है वहाँ से फिर उनका कोई नहीं होगा? नहीं, चलानी और बात है, उसके कानून बनाने और है। विधानसभा ने तो बेसिकली तो कानून बनाने होते हैं, उसके लिए एग्जीक्यूशन के लिए एग्जेक्टिव बनी हुई है, क्योंकि डेमोक्रेसी का ये एक प्रबंध बना हुआ है जिसके तहत ये सारी चीज़ें होती है। और अच्छी बात है कि अगर ये इंडिपेंडेंटली इसको एग्जीक्यूट करा दें और अच्छा होगा। ये नवजोत सिंह सिद्धू ने कल बयान दिया है कि जो हार की वजह रही है वो चरणजीत सिंह चन्नी थे। देखो मैं इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूँ कि हार सबकी होती है, जीत सबकी होती है। हार में टीम ने जो जो भी कहाँ कहाँ क्या क्या किया उसमें मैं भी जिम्मेवार हूँ, उसमें वो हर इंसान जिम्मेवार है जिसने डिसीज़न लिए हैं। जो उस मौके पर जो कहना चाहिए वो नहीं कहा, जो समझना चाहिए वो नहीं समझा, लोगों की फीलिंग को उस तरह से नहीं लिया जैसे लेना चाहिए था। और दूसरी बात ये है कि ये लंबे समय से पंजाब में एक ऐसा थॉट प्रोसेस चल रहा था और ये उसी का नतीजा है, ये कोई ओवरनाइट नहीं हुआ। मतलब कि चन्नी साहब जो सीएम बने हैं तो आपको लगता है कि उन्होंने कोई काम कुम नहीं किए? जस्ट नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप इसको मेरे मुंह में मत डालो ऐसी बातें। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि जो पंजाब में हुआ ये रूटीन में नहीं हुआ, ये एक रीज़न हो सकता है लेकिन इसके और भी बहुत से रीज़न हैं। और लोगों ने जो सोचा है, जैसे हमारे लीडर्स को एक्ट करना चाहिए, जैसे हमारे लीडर्स को एग्जीक्यूशन करनी चाहिए, मैं हमेशा कहता हूं कि जो डिलीवर कर सकते हैं वो कमिट करो, नहीं तो जो कोई दूसरा अगर डिलीवर कर सकता है वो डिलीवर कर ले। क्योंकि हमारा मैनिफेस्टो जो है उसमें हम जब बहुत सी ऐसी कमिटमेंट्स करते हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि हम आपको ये भी फ्री दे देंगे, ये भी फ्री दे देंगे, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आके एक इकट्ठी होती रहती है और जब गुब्बारा बनता है वो फूट जाता है। ये वो टाइम है जहाँ वो गुब्बारा फूटा है। मेरा ख्याल है कि कभी भी किसी इंडिविजुअल को क्रिटिसाइज़ करना, मेरा ख्याल है कि हम कोई ज़्यादा अच्छी डेमोक्रेसी की नींव नहीं रखते। ऐसे वादे तो आम आदमी पार्टी ने भी किए हैं। नहीं, वो तो वो देखे ना कि उन्होंने क्या करना है, क्योंकि उन्होंने 1,000 रुपया पर मंथ हर लेडी के लिए जो 18 साल से ऊपर है उसको कमिट किया है, उससे 12,000 करोड़ बनता है। मेरे को तो समझ नहीं आती कि 12,000 करोड़ ये कैसे देंगे। और जो बिजली फ्री देने की बात की जा रही है वो तो देखो अनदर 8 से 10 हज़ार करोड़ है, तो ये तो भगवंत मान जी जानते हैं। या अगर जो केजरीवाल जी हैं वो गारंटी दे के जाते थे जब भी दिल्ली से आते थे, ये तो ये देखेंगे। हम तो उसको फिर लोगों में लेके जाएंगे कि, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए किसी भी सत्ता को हासिल करने के लिए। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने नवजोत सिंह सिद्धू पर बोला है कि इनको लेना नहीं चाहिए था, इनको पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। ये देखो मेरा यहाँ ये व्यू पॉइंट है कि ये बाद में हम कई चीज़ें ऐसी कह देते हैं जो हमें कहनी नहीं चाहिए। समय का तकाजा था, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को उतारा था 70 MLA में से 80 MLA से मेरा ख्याल है कि 73 लोगों ने ये कहा था कि हाँ भाई इसको बनाना चाहिए। अगर हम कोई गलती करते हैं हम गलती को मानना चाहिए, हमें किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम उसका हिस्सा थे हमने सलाह दी है तो फिर हमें वो गलती माननी भी चाहिए कि क्यों गलती हुई है, उस गलती की इंट्रोस्पेक्शन कर लो, आगे से आने वाले समय में ऐसी गलती ना हो। नहीं, पहले उन्होंने कैप्टन के बारे में बोला, फिर अब सिद्धू के बारे में बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लग नहीं रहा है कि देखो के बाद भी अभी तक जो कांग्रेस की लड़ाई है वो अभी तक भी चल रही है।
ये इनका अपना नज़रिया है, ये अपना नज़रिया है, ये मेरा नज़रिया है। ऐसा बयान देना कि सिद्धू को वहाँ से उठा देना चाहिए था। भाई उन्होंने बयान दिया, उसके लिए वो ज़िम्मेवार हैं। जो मैं कहता हूँ, मैं अपने कहने के लिए मैं खुद ज़िम्मेवार हूँ। क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू आपके अच्छे दोस्त भी नहीं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे दुश्मन कोई भी नहीं है। मैं तो जिसको ठीक सलाह देता हूँ, अगर उसको अच्छी लगे तो रख ले, नहीं लगे तो ना रखे। आज जो सिक्योरिटी भी सारी वापस ले ली गई है, जितने भी कैबिनेट रैंक के लोग थे, उस पर क्या लगता? नहीं देखो, अगर जिसको जो सिक्योरिटी बनती है, वहाँ एक सिस्टम बना हुआ है, मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा किसी को भी नहीं देनी चाहिए। मैंने तो पहले दिन जब मैं कैबिनेट मिनिस्टर नहीं रहा, तो मैंने जो कैबिनेट मिनिस्टर की जो भी गाड़ियाँ थी, जो सिक्योरिटी थी, वो मैंने वापस भेज दी। और जो मेरी इंटाइटलमेंट एज MLA है, वो मैं अपने पास रखूँगा। ये ठीक है, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, क्यों नहीं।